और इसकी रंगत कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और यार जरा आप जो है ना इसकी पैकिंग देखो भाई, भाई फूड कैसा भी हो मेरे को ना वहां पे जब ली है ना, हाँ पैकेजिंग ही काफी अच्छी लगी। मैं स्वागत है जी आप सबका चिडोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो में। भाई आज हम फूड ट्राई करने वाले मोती स्वीट्स का। कुछ दिन पहले जी हमने बत्रा बेकरी की वीडियो बनाई थी, काफी सारे लोगों ने उस वीडियो को पसंद भी किया और ये भी बताया कि भाई उनके बिल्कुल बगल में ना मोती रेस्टोरेंट है, तो आप एक बार जो है ना भाई उनको भी कवर करो। तो भाई आज हम ना कुछ पांच छह चीजें उनसे लेकर आए हैं, अब टेस्ट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई लास्ट वीडियो के लिए आप सबको जो है ना बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि हमने एक टारगेट रखा था कि कुछ 2000 कमेंट आ जाए, वो नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भाई फिर भी बहुत लोगों ने कमेंट्स करे। बहुत, तेरे को पता है कितने आए हैं? तकरीबन 700-800 कमेंट आए हैं भाई, और ये भी ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए ना, उन सब के लिए भाई थैंक यू सो मच। और आज वाली वीडियो में फिर दोबारा कमेंट कर देना। हाँ यार कर देना, थोड़ा सा हमें भी ना पढ़ने में मजा आता है, मतलब चाहे 1000 आए चाहे 2000 आए भाई, पढ़कर ना मजा आ गया, एक समझ में आ गया कि हाँ भाई सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लोग इतने पसंद कर रहे हैं तो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। अब आपको जो है ना फटाफट खाने की लुक दिखाते हैं। जैसा कि भाई आपने देखा कि हमारे पास आज तीन पैकेट हैं, उनमें से जी सबसे पहला पैकेट आपको ओपन करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल करते हैं जी साइड पे। इसके अंदर जी हमने कुछ तीन चार चीज़ें तो आई थिंक इसके अंदर ही हैं, दो पैकेट तो हमें ये चटनी के मिले हैं, इसको बाद में ओपन करूँगा, पहले आपको ये दिखाता हूँ जी इसमें हम क्या क्या लेकर आए हैं। एक पीस है जी समोसा, एक है जी प्याज कचौड़ी और एक है जी पनीर पकौड़ा। सबसे पहले जी आपको समोसा दिखा रहा हूँ, छुटकू सा प्यारा सा समोसा है, ऊपर अजवाइन वगैरह चीजें नजर आ रही हैं, अंदर से जो है जी देख लेते हैं जरा स्टफिंग किस तरीके की है। मटर है, आलू है, बहुत ज्यादा वो मसाले वाला नहीं लग रहा, कई बड़े मसालेदार टाइप वाले होते हैं ना, हाँ थोड़ा सा जो हल्दी हल्दी डाल देते ना वो जरा थोड़ा और रंगत अच्छी लगती है, इसमें वैसा वाला नहीं है। बाकी जी समोसा ठीक ठाक साइज है। एक है जी प्याज कचौड़ी, प्याज कचौड़ी का साइज मैं कहूंगा कि हमने पिछले कुछ दिनों में जो भी मंगवाई है उनमें फिर भी ये ठीक लग रही है। अब अंदर से स्टफिंग देख लेते हैं जी इसकी किस तरीके से है, अंदर स्टफिंग काफी अच्छी प्याज की भरी हुई है और सौंफ वगैरह काफी अच्छे लेवल में नजर आ रही है जी, ये चीज जो है ना बहुत अच्छी है। एक हमने मंगवाया है जी ये पनीर पकौड़ा, इनके प्राइस जब हम खाने लगेंगे ना तब आपको साथ के साथ बता देंगे। बाकी जी पनीर पकौड़ा ठीक है, नहीं प्लेन नहीं, बीच में हरी चटनी है, बीच में हरी चटनी या मसाले वगैरह कुछ लगा रखे हैं। ये एक चीज जी आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए हम और लेकर आए, वहां पे देख के जरा मन कर गया, सिंगल पीस मालपुआ, सिंगल पीस जी मालपुआ, और क्या ही इसकी रंगत है ना, मैं तो वहां देखते ही भाई मन कर गया कि यार ये तो खाना बनता है, क्योंकि काफी टाइम हो गया इसको टेस्ट करे हुए, लग भी अच्छा रहा है, लग भी काफी अच्छा रहा है, और पीस भी जो है ना काफी मतलब साइज, काफी अच्छा साइज दिया है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा साइज हो। बाकी नीचे तो जी चाशनी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं तो ये चाशनी का पता क्या करूंगा, वो जो ब्रेड पे डाल के खाते हैं ना वो भी बहुत मजा आता है। नेक्स्ट पैकेट में जी हमारे पास है जी इनकी मोती रेस्टोरेंट की, हम आपके लिए थाली लेकर आए हैं, और जरा आप जो है ना इसकी पैकिंग देखो भाई, भाई फूड कैसा भी हो मेरे को ना वहां पे जब ली है ना, हाँ पैकेजिंग ही काफी अच्छी लगी। मैं तो पैकेजिंग देख के भाई सही बताऊं तो खुश हो गया, काफी अच्छी है। और ये जो डब्बी मिली है ना, पहले मेरे को लगा ये आइसक्रीम क्या दे रहे हैं साथ में, फिर बाद में पता चला कि जी इसी के अंदर जी साथ में हमें थाली में दही भल्ला भी, दही भल्ला भी है जी। ये देखो जी आप, छोटी सी डब्बी है और बढ़िया लग रही है, जरा चम्मच ले लूं, इसी के अंदर जी मतलब भल्ला भी डाल रखा है, चटनी भी है, बढ़िया है भाई, मतलब सिंगल पर्सन के लिए ना मतलब एक वैरायटी एक्स्ट्रा हो गई है। हमारी जी थाली ओपन करने की जी, और आपको दिखाते हैं जी अब इसके अंदर क्या क्या आया है। प्राइस इस बार आपको जो है ना हम बाद में जब खाने लगेंगे तो साथ के साथ बता देंगे। बाकी ऊपर से जी काफी कुछ तो नजर आ ही रहा है, और पैकिंग जो है ना थाली की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है जी। इस थाली को 10 में से 10 नंबर है पैकेजिंग के। आप देखो जी इसके अंदर हमें राइस मिले हैं, सेला राइस है, काफी अच्छा दानेदार है, हल्का धनिया डाला हुआ है, और पनीर भी है, पनीर भी है, हाँ हाँ हल्का फुल्का पनीर डाल रखा है जी, धनिया है, कहाँ से शुरुआत करूँ, दाल मखनी से। ये आई है जी इसमें दाल मखनी जो कि बहुत अच्छी लग रही है सही बताऊं तो, और
साथ में जी यहाँ पर है अपने पास मिक्स वेज, उसको भी अच्छे से प्रॉपर सजा के दिया है, फलियाँ वगैरह डली हुई हैं, पनीर वगैरह चीजें हैं, हाँ मटर वगैरह ज्यादा फलियाँ ही हैं, ज्यादा फलियाँ ही नजर आ रही है भाई, और पनीर है, दो चीजों से ही अच्छे से तैयार कर रखी है। साथ में जी शाही पनीर जिसके अंदर जी दो पीस हमारे ये पनीर के हैं जी, इसको साइड करते हैं। साथ में आया है पापड़, एक हमारा रसगुल्ला, और अगर इस तरफ आ जाओ तो जी पिकल है और सलाद है जी, सलाद में प्याज और खीरा है। अब साथ में दिखाते हैं जी कि रोटियां क्या आई हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हमें अभी ध्यान है तेरे को क्या मिला है, पढ़ा ही नहीं हमने ध्यान से ना। ये लो जी साथ में आया है जी बटर रोटी दो पीस नहीं एक लच्छा पराठा है भाई, सही है भाई, मतलब दो वैरायटी आपको मिल गई इसके अंदर भी। एक आया जी लच्छा पराठा, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, और एक आई है जी बटर रोटी। थाली देख लो जी, इसका प्राइस मैं आपको बता ही देता हूँ, मुझे ध्यान है कुछ 300 रुपए थी, अगर कुछ टैक्स वगैरह लगा तो भी रख दे बीच में। हाँ अरे हाँ दही भल्ला भी तो है भाई, वो भी इसी का ही पार्ट है, इसी का ही पार्ट है जी। तो क्या लगता है आपको 300 रुपए में ये थाली, और हमने लास्ट वीडियो में भी आपको थाली दिखाई थी जो 345 रुपए की थी, अगर आप उससे कंपेयर करो तो ये मच बेटर है, बढ़िया लग रही है। बाकी टेस्ट देखेंगे टेस्ट कैसा लगता है। लास्ट ये हम आपको दिखाने के लिए लेकर आए हैं जी पालक पत्ता चाट। अब इसको लास्ट में इसलिए तैयार कर रहे हैं भाई, पिछली बार जो है ना हमने जब एवरग्रीन से वो राज कचौड़ी मंगवाई थी वो फुस हो गई थी, वो मतलब हमें कई लोगों ने कमेंट किया था कि आपने उसको सबसे पहले क्यों तैयार किया, तो भाई देखो हम भी धीरे धीरे आप लोगों के कमेंट से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आज सबसे लास्ट में हम पालक पत्ता ट्राई मतलब तैयार कर रहे हैं और ट्राई इसको सबसे पहले करेंगे। और भाई रंगत जो है ना हाँ बढ़िया लग रही है, काफी अच्छी जी। आप देखो इसके ऊपर ही उन्होंने सेवियां और मसाले वगैरह सब कुछ डाल के दिए, काफी कुछ डाल दिया जी। और आप ये देखो यार क्वांटिटी ना सही है, सही लग रही है। इसके ऊपर सबसे पहले तो जी साथ में जो थोड़े से आलू और ये मिले ना मसाला वगैरह तैयार करके, और इसके अंदर भी ना उन्होंने ये मिर्च मसाले चीजें पहले ही डाल दी थी। जरा चम्मच ले लूँ इसको सही से जो है ना जी प्रॉपर थोड़ा सा फैला दे, ये ना हो कि एक ही जगह पे ज़्यादा अच्छे से आ जाए। इसमें डालते हैं जी, हमें मिला है काफ़ी सारा दही और ठंडा एकदम चिल्ड दही मिला है जी, मज़ेदार सारे डल जाएगा ये तो लग रहा, मेरे को लगा था। अब आते हैं जी ये मीठी चटनी भाई, मैंने ना अभी जब इसको ब्रेक किया और जो इसकी खुशबू आई है भाई, वैसे भी मोती से तो हमने पता नहीं बहुत बार भाई, हम छोटे थे तब से यहाँ पर, हमारे पैदा होने से पहले का है पंकज मोती रेस्टोरेंट। मुझे लग रहा है मैं अपना चाट काउंटर ना खोल ही दूँ भाई, क्या लगता है ये तैयार करने में बड़ा मजा आता है यार। तो जी अपनी प्लेट हो गई जी तैयार, ये हमारी है जी पालक पत्ता चाट, इसकी रंगत कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना यार। तो जी ये है जी फूड जो आज हम लेकर आए हैं जी मोती रेस्टोरेंट से जी। आपको मैंने एक चीज का प्राइस बता दिया था थाली का, ये थाली हमारी आई है जी 300 रुपए की, और ये जो हमारी पालक पत्ता चाट है जी इसका प्राइस है 120 रुपए, और बाकी ये चीजें जो है जी इसमें मालपुआ जो है वो है 35 रुपए का, समोसा जो है जी वो 18 रुपए का, अनियन कचौड़ी जो है वो है 32 रुपए की, और पनीर पकौड़ा है जी हमारा ये 30 रुपए का। तो भाई आप बताओ मतलब इन तीनों में से मेन आपको क्या चीज जो है ना सबसे ज्यादा बढ़िया लग रही है। सबसे पहले जी हम शुरुआत करने लगे हैं पालक पत्ता चाट से जी, क्योंकि जैसा कि आपको बताया भाई लास्ट टाइम थोड़ी सी लोगों से डांट पड़ी थी, अब जो है कहना मानना पड़ेगा, टेस्ट करते हैं। हालांकि हमने सबसे लास्ट में इसको तैयार किया है और सबसे पहले ये खा रहे हैं, फिर भी वो थोड़ी सी ना नरम हो गई, सोगी होनी शुरू हो गई है। बाकी जो चटनी वगैरह का जो टेस्ट है ना हाँ, वो सबसे ज्यादा कमाल का है, सारा फ्लेवर उन्हीं चीजों का उन्हीं का ही आ रहा है जी, मतलब ऐसा कुछ खास वो सॉफ्ट होने के बाद ना ऐसा नहीं पता चल रहा कि हम पालक पत्ता खा रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल लेते ही उसी वक्त खाओ ना जो उसकी क्रंचीनेस पता चलता है। बाकी टेस्ट में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, खड़े होके खाओगे तो मजा अलग आएगा। अब जी हम क्या करने लगे हैं, ये तीन चीजें जो है ना इसमें से कचौड़ी समोसा और पनीर पकौड़ा, इन तीनों को ट्राई करते हैं जी, और इनमें से क्या हमें बेस्ट लगा आपको वो बताते हैं। मालपुआ जो है वो सबसे लास्ट में ट्राई करेंगे जी, वो ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती है मीठे वगैरह में करें टेस्ट। हाँ चलो जी,
तो जी समोसा और हमने पनीर पकौड़ा ट्राई किया, दोनों में ही ना बहुत ही कम मसाले हैं, फ्लेवर तो लेना चटनी ओपन कर लेगी थोड़ा सा और फ्लेवर बढ़ सके मतलब पता चले कि भैया चटनी के साथ जो है वो फ्लेवर कैसा आता है। भाई जो सबसे बढ़िया फ्लेवर आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं जी प्याज कचौड़ी में, बिल्कुल जी मजा आ गया। और बाकी जो दो चीजें खाई ना स्वाद है मगर ना उसको चटनी के साथ खानी पड़ेगा, अदरवाइज मसाले बहुत माइल्ड है। हाँ मसाले बहुत हल्के रखे हुए जी, और चटनी जो है ना जी वो बहुत कमाल की है, उसके साथ खाने में ना मजा आ गया। खाली टेस्ट करते हैं जी और आपको बताते हैं कि सबसे बेस्ट क्या चीज लगती है जी, करें चलो जी। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ 300 रुपये में ना वर्थ है यार थाली, मजा आ गया। थाली कमाल की और सबसे बेस्ट जो लगी ना इनकी, हाँ वो है जी मिक्स वेज। मिक्स वेज जी नंबर वन पर, दाल मखनी सेकंड नंबर पे और पनीर है जी थर्ड नंबर पे। पनीर जो है ना काफी लाइट बना हुआ, उसमें ना फ्लेवर थोड़े से और बड़े हो ना तो और मजा आ जाए। मजा आ गया भाई साहब, मैं कह रहा हूँ दही भल्ला भी जो है ना बहुत टेस्टी है। और अभी इसमें हमारे पास स्पंज वाला रसगुल्ला पड़ा है, मालपुआ वो अलग है उसके अंदर थाली के अंदर नहीं है। पहले जी हम ट्राई करने लगे, ओ भाई साहब कितना ही रस है इसके अंदर भी है, डूबा वाला पूरा, मतलब पहले नहीं दिख रहा था रस इतना। हाँ। जैसे इसको प्रेस किया है भाई पूरा इतना ज्यादा रस निकल आया। स्पंज वाला रसगुल्ला भाई थोड़ा सा टाइट है लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, जैसा भी है आपके सामने ही है जी। अब टेस्ट करते हैं, आ जाओ करें। अच्छा खाने में नहीं है भाई इतना टाइट, वो ब्रेक करने में मेहनत लगनी थी, मजा आ गया। मीठा भी ठीक है, बाकी चाशनी अलग हो गई, अब ज्यादा मीठा खाना है तो चाशनी मेरे हिसाब से ना ये एक प्रॉपर थाली है, दाल भी है सब्जी भी है पनीर की सब्जी भी है सलाद भी है मीठा भी है पापड़ भी है अचार भी है, और ये एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट हो गए इस थाली के अंदर। बिल्कुल जी प्रॉपर 300 रुपए में वर्थ है भाई। मालपुआ इसको भी ट्राई कर लेते हैं, बढ़िया तो है मगर ओवर मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा है यार, जिनको इतना ज्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है ना उनको नहीं मजा आएगा। चाशनी भी ना मुझे लगता है उन्होंने थोड़ी सी जरा ज्यादा ही डाल दी, ये ना वो वाली चाशनी बिल्कुल जो गुलाब जामुन वाली होती है ना वो वाली चाशनी में, हाँ बिल्कुल अच्छे से डूबा है, अच्छे से डिप कर रखा है जी, मजा आ गया। मेन आज के खाने में अगर कोई विनर वाली बात करूँ ना तो है जी थाली। थाली फर्स्ट में है, पालक पत्ता चाट सेकंड में है, और ये वाले स्टार्टर्स को मैं थर्ड में रखूंगा, मैं भी यही रखूंगा। ये आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट करके जो है ना जरूर बताना। और इस वीडियो में भी ना भाई अगर 1000 कमेंट भी आ गए ना तो मजा आ जाएगा जी, और बताना भी और कहां के हम वीडियो आप लोगों के लिए दिखाएं। बिल्कुल, इस वीडियो को दोस्तों यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय 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 बाय।